लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सबको साक्षी रखकर मैं अपने स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या पति श्री राम के सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूँ। उन प्रश्नों का समाधान हो या ना हो, परंतु मैं अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अंतिम परीक्षा अवश्य दूंगी। नहीं माता, नहीं, नहीं। पवित्रता को पवित्रता की परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है माता। सारा संसार ये माने ना माने, परंतु आपका पुत्र हनुमान ये मानता है कि आप पवित्र हैं, गंगा जल से भी अधिक पवित्र हैं, और आपको ये बात सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है माता, कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान, मेरे स्वामी श्री राम महान है। मैं धरती से जन्मी धनी पुत्री सीता इनके चरणों के रज के समान हूं, परंतु मैंने मन वचन कर्म तथा आत्मा से इन्हें ही अपना सर्वस्व माना है। इनके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का विचार या तो मैंने पिता के रूप में किया या भ्राता के रूप में या पुत्र के रूप में। किसी अन्य पुरुष की छाया भी मेरे मन को किसी भी क्षण नहीं छू सकी। विवाह के पश्चात मैंने सदा श्री राम का अनुगमन किया, उनके पीछे पीछे रही, दुख में सुख में संयोग में वियोग में, परंतु दुर्भाग्यवश मुझसे एक भूल हुई। मैंने श्री राम को हठपूर्वक स्वर्ग में लाने के लिए विवश किया और प्रिय देव लक्ष्मण को प्रेरित किया मुझे अकेला छोड़ने के लिए। नहीं भाभी, और वहीं से उसी समय से श्री राम से दूर कर दी गई और आज तक उनके हृदय में मैं वो स्थान नहीं पा सकी जो वनवास के समय था। प्रभु श्री राम मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी, मैंने रावण के बंदी गृह में प्राणपण से अपनी पवित्रता की रक्षा की। आप ही के पुण्य प्रताप से मिली सत्यत्व की ज्योति मेरी रक्षा करती रही, परंतु ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानती। मैंने अग्नि देव को साक्षी रखकर अग्नि परीक्षा दी, फिर भी आप और आप सब मेरी पवित्रता से संतुष्ट नहीं हुए और आज भी आप मेरी पावनता को मन से स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। इसलिए आज मैंने आप सबके सम्मुख अंतिम परीक्षा देने का निर्णय लिया है। नहीं माता, नहीं। मैं पहले भी आपकी पवित्रता की किसी भी परीक्षा के विरुद्ध था और आज भी इस परीक्षा के विरुद्ध हूं प्रभु।
मैं यह परीक्षा नहीं देख सकता प्रभु, मुझे क्षमा करना माता, मैं यह परीक्षा नहीं देख सकता, मैं यह परीक्षा नहीं देख सकता, मैं यह परीक्षा नहीं देख सकता प्रभु, मैं यह परीक्षा नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं यह परीक्षा प्रभु। हनुमान के जाने से आप दुखित ना हो, वो ये परीक्षा नहीं देख सकता था, परंतु ये परीक्षा मेरे लिए भी आवश्यक है और श्री राम के लिए अनिवार्य। यदि मैं ये परीक्षा नहीं दूंगी तो इस देश के इतिहास में श्री राम के साथ सीता का नाम उसी आदर से नहीं लिया जाएगा जिसकी वो अधिकारिणी है। आप सबको मेरा अंतिम प्रणाम। धरती माता, धरणी, मेरी जननी, यदि मैंने तन मन वचन और कर्म से अपनी अंतरात्मा से श्री राम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का चिंतन ना किया हो, यदि मैंने जीवन के हर पल हर क्षण में श्री राम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का विचार ना किया हो, तो हे माता, मुझे अभी इसी समय अपने में संभालो। हे धरती माता, अपनी पुत्री को अपनी गोद में संभालो भाभी, अपनी गोद में संभालो माता, 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 अपनी पुत्री को गोद में संभालो माता, गोद में संभालो माता, अपनी पुत्री को अपनी गोद में संभालो माता, संभालो माता, अपनी गोद में संभालो माता, अपनी पुत्री को अपनी गोद में संभालो माता, अपनी गोद में संभालो माता, अपनी पुत्री को 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 गोद में संभालो माता, अपनी पुत्री को अपनी गोद में संभालो माता, अपनी गोद में संभालो माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दो माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दो माता, मुझे अपनी गोद में संभालो। आओ पुत्री सीते, ये संसार तुम जैसी पवित्र आत्मा के रहने योग्य नहीं रहा। आओ पुत्री सीते, आओ। अंतिम विदा श्री राम, अंतिम विदा। प्रिय पुत्रों, अंतिम विदा। श्री राम। भाभी, भाभी,
आंखें खोलो मां। आंखें खोलो मां। भैया माते जागो मां, कुछ बोलो माते। जागो बोलो मां। बोलो मां। तुम लोग रो क्यों रहे हो? लंबे योग के बाद मैं अपने स्वामी से मिलने जा रही हूँ। नहीं नहीं मां, तुम्हें तो मिलन उत्सव मनाना चाहिए। नहीं मां, नहीं। नहीं। मुझे क्षमा कर देना माता, मैं आपकी अंतिम इच्छा नहीं पूर्ण कर सका। मैं सीता को अयोध्या नहीं ला सका। तुम उसका शोक मत करो पुत्र, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। बोलो, अपने स्वामी के पास चला रही हूँ। भैया स्वामी, नहीं लक्ष्मण, तीनों लोकों में उदासी छाई हुई है। प
परमपिता, क्या आप भी? नहीं नारद, ब्रह्मा विष्णु महेश तो स्थिर रहकर संसार के नियमों का पालन करते रहते हैं। वे भावनाओं के वश में नहीं होते। जिस समय जहां जो होना होता है वे उसे साक्षी भाव से देखते हैं। समय की धारा बहती रहती है, हम उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करते। परमपिता, क्या भगवान विष्णु के श्री राम अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ? हाँ नारद, संसार में धर्म और मर्यादा का आदर्श प्रतिष्ठित करना, दुष्ट राक्षसों का संहार, राम राज्य की स्थापना और दीपक की निष्कंप लौ की तरह कर्तव्य पालन, श्री राम ने अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर लिए। तो फिर नारद, किसी भी अवतार का अंत किस प्रकार हो, इस बात का निर्णय तो संहार के देवता भगवान शिव ही करेंगे। चलो, अब हम उन्हीं की सेवा में उपस्थित होते हैं। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता।